खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट inn24news.in पर विजिट करें। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही अपने सुझाव Facebook के माध्यम से दे सकते हैं। रायगढ़ निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग अब प्रॉपर्टी टैक्स व यूजर्स चार्जेस व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर घर पहुंच सुविधा ले सकेंगे। मेयर जानकी काटजू और निगम कमिश्नर आशुतोष पांडे ने सोमवार को शहरवासियों के लिए मोबाइल नंबर जारी किया। निगम प्रशासन द्वारा मोबाइल सुविधा के माध्यम से व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिसमें लोगों को संपत्ति कर, समेकित कर और यूजर्स चार्जेस जमा करने के लिए निगम आने या वार्ड कार्यालय में लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ही सूचना या मैसेज देकर टैक्स जमा करने घर पहुँच सुविधा ले सकेंगे। कोरोना काल और लोगों के कतार लगाने की समस्या को ध्यान में रखकर निगम प्रशासन द्वारा मोबाइल नंबर जारी किया गया है। इसमें कॉल करने या मैसेज करने से संबंधित वार्ड के कर्मचारी लोगों को सीधे संपर्क करेंगे और टैक्स लेने संबंधित लोगों के घर पहुंचेंगे। शहरवासी मोबाइल नंबर 8553525150 पर सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक संपर्क कर सकेंगे। निगम की राजस्व वसूली को दुरुस्त करने मेयर व कमिश्नर द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निगम प्रशासन द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की एक टीम भी बनाई गई है। इसमें वे पुराने करदाताओं के मकान दुकान प्रतिष्ठान में जाकर कर वसूली करेंगे। इसी तरह कमिश्नर ने यूजर्स चार्ज के लिए भी अलग अलग टीम बनाई है। यूजर चार्ज वसूली के लिए स्वच्छता सुपरवाइजर को भी आदेशित किया गया है कि वे अपने प्रभार वाले वार्ड में जाकर यूजर चार्ज की वसूली करेंगे। कमिश्नर श्री पांडे ने अधिक से अधिक घर पहुंच सेवा का लाभ लेने की अपील शहरवासियों से की है। जनता के सुविधा के लिए कमिश्नर सर और हम लोगों ने फैसला किया है कि जो टैक्स वसूली के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अगर जनता कॉन्टेक्ट करते हैं तो नगर निगम द्वारा टीम आकर टैक्स वसूली किया जाएगा। और हमें तो अभी कोविड के देखते हुए इस व्हाट्सएप वाला नंबर को निकालें ताकि आम जनता को कोई भी परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए और टैक्स वसूली के लिए हमारा सहयोग करें ताकि इसमें हमारे जो मैसेज दिया गया है इसमें आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगा और जनप्रतिनिधि भी इसमें सहयोग कर रहे हैं।